गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपनी एक्सरसाइज जो कि ट्रिग्नोमेट्री की चली हुई थी 3.3 उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। हमने क्वेश्चन 10 तक सॉल्व कर लिए थे। आई होप कल वाले आपने कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में। और आज हम 10 से आगे चल रहे हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो पहले हम समझते हैं, फिर उस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए क्या है ये। cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स कहता है, इसको प्रूव कीजिए। और प्रूव क्या करना है हमें, माइनस √2 sin x ये हमें बनाना है। गिवन ये है, ये हमें प्रूव करना है कोस यहाँ से। तो हमें जो फॉर्मूला यूज करना है उसको ध्यान से देखिएगा। हम यूज करेंगे कोस एक्स माइनस कोस वाई। क्या रिजल्ट होता था ये हमारे पास बनता था -2 sin x + y/2 और कोस एक्स माइनस वाई बाई टू, ये हमारा रिजल्ट होता था। तो हमें क्या करना है, इसका लेफ्ट पार्ट लेके चलना है LHS। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, cos 3π/4 + x - cos 3π/4 - x और इस पे हमें ऑपरेट करना है ये वाला फॉर्मूला। तो सिंपल सी बात है, ये कंप्लीट आपका x का काम करेगा, ये y का फॉर्मूला वहां रखा है, ऑपरेट करो क्या होगा, -2 sin x + y/2 दैट मीन्स क्या होगा 3π/4 + x, ये तो x हो गया, प्लस y 3π/4 - x और किससे डिवाइड करना है 2 से। इसी के अकॉर्डिंग यहां पे साइन क्या करेंगे हम 3π/4 + x माइनस, सबके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, तो -3π/4 हो जाएगा और यहां से क्या होगा प्लस का x डिवाइड बाई 2, ये हमारा हो गया। अब देखिए ध्यान से, -2 sin क्या रिजल्ट बना, देखो x से x कैंसिल हो गया, 3π/4 और 3π/4 इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो ये बनेगा 6π/4, 3π/4 3π/4 ये बना 6π/4 डिवाइड बाई 2, ये 2 वाला था तो इसको अगर हम ये लिख दें ये डिवाइड बाई 2 और यहां से क्या बनेगा साइन, यहां से देखो 3π/4 से 3π/4 कैंसिल हो गया, आपका जो रिजल्ट बना x और x 2x/2, सो जो रिजल्ट बना यहां से वो ये आया -2 sin, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 3π/4 क्या बन गया 4, क्या बन गया 3π/4 और अभी हमें क्या करना है यहां से, ये वाला जो रिजल्ट बना साइन एक्स 2 से 2 कैंसिल, 3π/4 का मीनिंग क्या होगा ध्यान से देखिए, 3π/4 इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो साइन 135 डिग्री में, पाई बाई 4 45 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 135 और इसको लिखने का तरीका क्या होगा साइन 90 प्लस 45 है, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है और 90 है तो साइन का कन्वर्जन कोस में होगा, कोस 45 इसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो हमें ये वर्क यहाँ पे करना है, ये माइनस 2 इसकी वैल्यू आई 1/√2 और ये साइन एक्स 2/√2 बन गया, इसको आप क्या लिख सकते हो 2/√2 sin x और सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा -√2 sin x क्योंकि 2 को आप लिख सकते हो, 2 को आप लिख सकते हो √2 × √2, 2 को लिखा जा सकता है और अगर फिर √2 से डिवाइड करना पड़े तो √2 से डिवाइड एक कैंसिल फिर भी एक आपके पास बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हमें किस तरीके से करना है, सिंपली हमें एक काम करना है, ये वाला हमारा जो रिजल्ट है ये वाला ये अप्लाई करना है, ये लर्न होना चाहिए आपको। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका जो 11th क्वेश्चन है सोल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12th क्या लिखा हुआ है, साइंस स्क्वायर 6x माइनस साइंस स्क्वायर 4x, और हमें क्या करना है, ये रिजल्ट आना चाहिए साइन 2x साइन 10x, ये प्रूव करना है हमें। तो इसमें जाने से पहले एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था जिनका हमें यूज करना है। एक तो रिजल्ट था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। एक तो ये हमें लर्न करना है। दूसरा जिसकी हमें जरूरत होगी, आपके पास जो फॉर्मूला रहेगा साइन एक्स प्लस साइन वाई, इसका यूज हमें करना है। क्या होता है, टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और कोस एक्स माइनस वाई बाई टू। थर्ड इसी के अंदर अगर यहां पे फॉर्मूला होता साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो आपको रिजल्ट क्या करना था, टू कोस एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, इनका हमें यूज करना है इसको सोल्व करने के। तो देखिए ध्यान से, इसका जो लेफ्ट पार्ट है उसको हम लेके चले हैं, क्या है वो साइन स्क्वायर 6x साइन स्क्वायर 4x ये लिखा हुआ है। अब हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम यू लिख लेते हैं साइन 6x इसका स्क्वायर हो गया और साइन 4x इसका स्क्वायर, तो रिजल्ट बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 6x माइनस साइन 4x, और दूसरा हम लिख सकते हैं साइन 6x प्लस साइन 4x। अब हमें इनका यूज करना है, फॉर्मूला ऑलरेडी हमने यहां पे लिख रखे हैं जो यूज होंगे वो। सबसे पहले साइन एक्स माइनस साइन वाई, थर्ड फॉर्मूला जो यहां पे यूज करना है, क्या होगा 2 टाइम्स कोस एक्स प्लस वाई 6x प्लस 4x डिवाइड बाय 2, और फिर होगा साइन 6x माइनस 4x डिवाइड बाय 2। ये तो इसका रिजल्ट बन गया फर्स्ट का। अब हमें इसका रिजल्ट लिखना है, क्या होगा मल्टीप्लाई 2 टाइम्स साइन 6x प्लस 4x डिवाइड बाय 2 और कोस 6x माइनस 4x डिवाइड बाय 2, ये वर्क हमें करना है। तो ध्यान से देखिए 2 टाइम्स कोस क्या बना 6 और 4 10, 10 बाय 2 5x, और यहां से क्या बना साइन 6 माइनस 4 2 डिवाइड बाय 2 तो x बन गया। यहां से आपके पास आया 2 साइन 6 और 4 10, तो यहां पे 5x, और यहां से क्या बनेगा cos x। अब इनको हमें अरेंज करना है, ध्यान से देखिए यहां पे है 2 साइन x और यहां से cos x, और ये 2 इनको कंबाइन कर लो 2 साइन x cos x, हमारे पास क्या रहा ये 2 साइन 5x और क्या रहा cos 5x। इनके हमें रिजल्ट बनाने हैं, ध्यान से देखिएगा फोर्थ जो फॉर्मूला यहां यूज हो रहा है वो ये हो रहा है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का रिजल्ट, किसका साइन 2 थीटा। सो 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x, तो ये बनेगा साइन 2x और ये बनेगा 2 साइन थीटा, इसमें क्या है 5x 5x, तो यहां से क्या बनेगा साइन 10x, और ये ही हमें क्या करना था प्रूव करना था जो कि हमारा राइट हैंड साइड था। तो सिंपली हमने क्या किया, कुछ ये फॉर्मूले अगर लर्न है तो इसकी हेल्प से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे। तो बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि आपके फॉर्मूले कौन से यूज हो रहे हैं, कैसे हमें यूज करना है, क्या गिवन है। अब जो नेक्स्ट सम है आपका 13th बिल्कुल सेम है, आप कर सकते हो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सम पे। तो नेक्स्ट सम है हमारा 14 साइन 2x 2 साइन 4x साइन 6x, ये प्रूव करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है उसको हमें लिख लेना है साइन 2x, फिर हमारे पास 2 साइन 4x और साइन 6x, तो इसके साथ आप साइन 6x को लिख लीजिए प्लस 2 टाइम्स साइन 4x को आप लोग पीछे रख लीजिए, ये हमने वर्क कर लिया यहाँ। अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों पे हमें ऑपरेट करना है फॉर्मूला,
कौन सा फॉर्मूला? साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होगा? टू टाइम्स साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन एक्स माइनस सॉरी कोस एक्स माइनस वाई बाई टू। पहले साइन फिर कोस, तो यहां पे हमें यूज करेंगे इसका। टू टाइम्स साइन 2x प्लस 6x बाई टू, फिर आएगा कोस 2x माइनस 6x डिवाइड बाई टू प्लस 2 साइन 4x, ये रिजल्ट हो गया। अब ध्यान से देखते हैं, यहां से क्या बना? 6 और 2 8 डिवाइड बाई टू, तो ये बन गया 4x। यहां पे कोस क्या बनेगा? देखो 2x माइनस 6x माइनस 4x डिवाइड बाई टू, तो ये बनेगा माइनस 2x और यहां से बन गया 2 साइन 4x। तो देखो ध्यान से, एक रिजल्ट होता था कोस माइनस थीटा, आपके पास आता था प्लस कोस थीटा, ऐसे बनता था। तो यहां पे जो माइनस है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आप इसको लिख सकते हो 2 साइन 4x और कोस 2x प्लस 2 साइन 4x। तो क्या कुछ कॉमन आ रहा है? 2 साइन 4x को कॉमन ले लीजिए, दोनों में से 2 साइन 4x कॉमन आ गया। क्या रहा? 2 साइन 4x आ गया, तो cos 2x प्लस 1, ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को हमें सोल्व करना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos square x माइनस 1, cos के अंदर इसका फॉर्मूला ये होता है। तो यहां पे हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इस वाले पे, तो क्या बनेगा? 2 साइन 4x, इसमें फॉर्मूला बना 2 टाइम्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 1, ये था ही, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 इंटू 2 क्या बना? 4, और साइन 4x और कोस स्क्वायर x, ये आपका आ जाएगा राइट हैंड साइड, जो हमें सोल्व करना था उसका राइट साइड हमारे पास आ चुका है। अगेन क्या बन रहा है यहाँ पे कि ये फॉर्मूले आ रहे हैं बेटा, तो जब भी पहले भी आपको बताया जितने भी हैं हमें फॉर्मूले बेस्ड है उससे सोल्व करने सारे क्वेश्चन, तो उसी से होंगे बेटा, ये लर्न करने होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे सोल्व करना है ध्यान से देखिएगा। ये लिखा हुआ है कोट 4x साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x, राइट में ये है। हमें क्या करना होगा? दोनों को सेपरेटली सोल्व कर लेते हैं, राइट और लेफ्ट, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है? कोट 4x, यहां है साइन x प्लस साइन y, फर्स्ट जो फॉर्मूला ऊपर वाला, तो क्या होगा? 2 टाइम्स साइन x प्लस 5, 5x प्लस 3x 8x डिवाइड बाई 2 4x, तो 4x। दूसरा क्या होगा? कोस, ये क्या बना हमारे पास? 5x माइनस 3x 2x डिवाइड बाई 2 तो x। आप कोट x को क्या लिख सकते हो? कोस 4x डिवाइड बाई साइन 4x, यहां पे क्या बना? 2 टाइम्स साइन 4x और कोस x, तो यहां से क्या बना? साइन 4x कैंसिल आउट, तो क्या रिजल्ट आया? 2 टाइम्स कोस 4x कोस x। सेम वे राइट में चलते हैं, राइट में क्या लिखा हुआ है? कोट x इंटू ये वाला सेकंड फॉर्मूला बनेगा, तो 2 टाइम्स कोस 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2, तो 2x बाई 2 तो x, साइन क्या बनेगा? 5x सॉरी उल्टा हो गया, यहां पे क्या आएगा? 5x और 3x ऐड करेंगे तो 8x डिवाइड बाई 2 तो 4x, और यहां पे क्या होगा? x डिफरेंस y, तो 5 माइनस 3 2 डिवाइड बाई 2 x, ये हमारे पास आ गया। इसमें हमें कोट को क्या लिखना है? कोस एक्स बाई साइन एक्स, और यहां पे क्या था अपना? 2 टाइम्स कोस 4x साइन एक्स, साइन एक्स कैंसिल आउट, क्या बना? 2 टाइम्स कोस 4x और कोस एक्स। अब ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों कैसे हैं? सेम है, इक्वल है, तो दोनों इक्वल हैं, तो इनके रिजल्ट्स भी क्या है? दोनों इक्वल हो गए लेफ्ट और राइट, और ये आपका प्रूव हो गया। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जो कि लिखा हुआ है
कोस 9x माइनस कोस 5x डिवाइड बाय साइन x, साइन 17x और साइन 3x, इसको हमें सोल्व करना है, इसको प्रूव करना है। और प्रूव क्या करना है, माइनस साइन 2x डिवाइड बाय कोस 10x। तो कैसे शुरू करेंगे हम, इसका लेफ्ट पार्ट हम लेके चल रहे हैं LHS, जो कि लिखा हुआ है कोस 9x कोस 5x डिवाइड बाय साइन 17x माइनस साइन 3x। अब यहां पे क्या करना है, हमें अपनी तरफ से कोई नया काम नहीं करना है, जो फॉर्मूले बेस्ड है। देखिए ध्यान से, ये दो फॉर्मूला हमारा है कोस एक्स माइनस कोस वाई, जो ऊपर न्यूमिनेटर में यूज होगा, और ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा ये डिनोमिनेटर में यूज होगा। इन दोनों का हमें यूज करना है। सबसे पहले लेफ्ट देखते हैं, यहाँ पे तो है कोस 9x माइनस कोस 5x, तो रूल क्या कहता है, यहाँ पे माइनस टू टाइम्स साइन 9 प्लस 5 14, दोनों का सम करो डिवाइड बाय 2 तो 7। फिर हमें क्या करना है, साइन, अभी क्या करना है, 9 माइनस 5 तो क्या बनेगा 4, 4 को 2 से करेंगे तो 2x। लास्ट में क्या आएगा, यहां से साइन ये वाला रिजल्ट यहां पे यूज हो जाएगा, तो 2 कोस 2 टाइम्स कोस, हमें क्या करना है दोनों का सम, 17 प्लस 3 क्या बन गया 20, 20 एक्स बाई टू आपके पास क्या आएगा 10, तो ये 10x हो गया। और फिर हमारे पास क्या है साइन, तो साइन 17 में से 3 कम कर दीजिए 14, 14 बाई टू 7x, ये हमारे पास आ गया। अब यहां पे देखिए साइन 17 से साइन 17 कैंसिल हो गया, 2 से 2 आपके पास क्या बना माइनस साइन 2x डिवाइड बाय साइन सॉरी कोस 10x, ये हमारा रिजल्ट बन गया, ये कैंसिल हो गया, और जो रिजल्ट बना ये हमारा क्या था राइट हैंड साइड, ये रिजल्ट आपका राइट। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, क्या प्रूव करना है, 2 साइन एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक हमारे पास फॉर्मूला होता था कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, क्या रिजल्ट होता था कोस 2x का, ये आपको लर्न होना चाहिए, जिसका हमें यूज करते हैं। देखिए इसका जो लेफ्ट पार्ट है क्या है, साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाय साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स। सो ऊपर वाले में फॉर्मूला आपका अप्लाई हो रहा है सेकंड नंबर पे, क्या होगा 2 टाइम्स कोस एक्स प्लस 3x बाय 2, तो 4x बाय 2 आपका रिजल्ट क्या आएगा 2x। फिर आएगा साइन एक्स माइनस 3x, तो ये रिजल्ट बनेगा माइनस 2x बाय 2, तो माइनस का x डिवाइड बाय, यहां से माइनस कॉमन ले लो, ये रिजल्ट बनेगा माइनस कॉमन लोगे तो कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। और देखिए ध्यान से, ये रिजल्ट होता था साइन माइनस है माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहां से क्या हुआ 2 कोस 2x, और इसका नेगेटिव आएगा तो यहां पे लिख लेते हैं हम साइन एक्स डिवाइड बाय, इसका रिजल्ट वहां पे लिखा हुआ है क्या होगा, यहां पे देखिए कोस 2x, इसका हमने लिख दिया कोस 2x। अब नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, और कोस 2x से कोस 2x क्या रिजल्ट बना 2 साइन एक्स, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट हमारा सम है कोस 4x प्लस कोस 3x प्लस कोस 2x डिवाइड बाय साइन 4x साइन 3x साइन 2x, राइट में हमें चाहिए कोट 3x। अब देखिए कोट 3x को हम यू भी लिख सकते हैं कोस 3x डिवाइड बाय साइन 3x, तो ये रिजल्ट हमें बनाना है एक्चुअली, तो हमें लेफ्ट जो है उसको लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोस 4x, कोस 4x प्लस क्या है कोस 3x, आप कोस 2x को इसके साथ रखिए, कोस 3x को पीछे ले जाइए, इसी के अकॉर्डिंग यहां पे आ जाइए साइन 4x प्लस साइन 2x, और यहां साइन 3x को पीछे ले जाइए। हमें क्या करना है, यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करना है कोस का, और यहां पे क्या करना है साइन का। तो यहां पे अगर कोस का फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो 2 टाइम्स कोस
फोर एक्स प्लस टू एक्स, सिक्स एक्स डिवाइड बाई टू थ्री एक्स, फिर कोस फोर एक्स माइनस टू एक्स डिवाइड बाई टू एक्स एक्स प्लस कोस थ्री एक्स डिवाइड बाई टू टाइम्स साइन फोर प्लस टू सिक्स डिवाइड बाई टू थ्री एक्स और फोर माइनस टू क्या बनेगा टू एक्स डिवाइड बाई टू एक्स प्लस साइन थ्री एक्स। तो न्यूमिनेटर में से क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है, देखिए ध्यान से, कोस थ्री एक्स यहां भी है और यहां भी, तो इसको कॉमन रख लीजिए। जैसे ही हमने कॉमन लिया कोस थ्री एक्स, क्या रिजल्ट रहा टू कोस एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आएगा साइन थ्री एक्स, क्या रिजल्ट रहा टू कोस एक्स प्लस वन, और ये दोनों सेम है कैंसिल आउट कोस वाई साइन, आप क्या लिखोगे कोट थ्री एक्स, और यही हमारा क्या था राइट हैंड साइड जो कि हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट एक्स कोट टू एक्स माइनस कोट थ्री एक्स कोट टू एक्स कोट थ्री एक्स कोट ऑफ एक्स, ये वन आना चाहिए, तो इसका जो लेफ्ट साइड है उसका हमें यूज करना है, कोट एक्स कोट टू एक्स कोट थ्री एक्स कोट टू एक्स माइनस कोट थ्री एक्स और कोट ऑफ एक्स। हम क्या करेंगे यहां पे, जो हमारे पास कोट ऑफ एक्स और कोट टू एक्स को एडी रखो, यहां से देखो कोट थ्री एक्स दोनों में दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लो। तो क्या करना है आपको, कोट थ्री एक्स को कॉमन लेना है, क्या रिजल्ट बना कोट टू एक्स प्लस कोट ऑफ एक्स, ये बन गया। अब हमारा एक रिजल्ट होता था कोट के अंदर, कोट एक्स प्लस वाई, क्या होता था कोट ऑफ एक्स कोट ऑफ एक्स कोट ऑफ वाई माइनस वन डिवाइड बाई कोट एक्स प्लस कोट वाई, ये हमारे पास रिजल्ट था। क्या रिजल्ट था कोट ऑफ एक्स कोट ऑफ वाई माइनस वन डिवाइड बाई कोट एक्स प्लस कोट वाई, इसका हमें यूज करना है, कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। यहां हमें रखना है कोट एक्स कोट टू एक्स माइनस, इस कोट को हमें लिखना है थ्री एक्स को टू एक्स प्लस एक्स, और यहां पे आप रख लीजिए इसको कोट टू एक्स कोट ऑफ एक्स, ये आपको रखना है। अभी क्या होगा ध्यान से देखना है, इसको तो हम रखेंगे इट इज कोट एक्स कोट टू एक्स, यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो ये वाला, तो क्या बनेगा कोट टू एक्स प्लस कोट एक्स डिवाइड बाई कोट टू एक्स सॉरी कोट ये आएगा कोट टू एक्स कोट एक्स माइनस वन डिवाइड बाई कोट टू एक्स प्लस कोट एक्स, ये तो यहां से बन गया, और यहां बना कोट टू एक्स प्लस कोट एक्स, देखो दोबारा से कोट एक्स प्लस वाई कोट एक्स कोट वाई माइनस वन डिवाइड बाई कोट एक्स प्लस कोट वाई। अब ध्यान से देखना है इसका जो डिनोमिनेटर नजर आ रहा है ये कंप्लीट यहां से कैंसिल आउट, क्या रिजल्ट रहा कोट टू एक्स कोट एक्स कोट टू एक्स माइनस कोट टू एक्स कोट एक्स माइनस वन। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे कोट एक्स कोट टू एक्स माइनस कोट टू एक्स कोट ऑफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस वन, ये कैंसिल आउट, आंसर क्या आया वन, और ये ही हमारा क्या था राइट हैंड साइड और हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट हमें टेन फोर एक्स और ये हमें प्रूव करना है, इसके लिए जो हमें फॉर्मूला यूज करना है वो ये रहेगा, ये आपके पास है, इसी की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमारे पास क्या है टेन फोर एक्स जो कि इसका लेफ्ट साइड है टेंजेंट ऑफ फोर एक्स, इसको हमें लिख लेना है टेन टू इंटू टू एक्स, इस फॉर्म में लिख लो। सो अगर इसको एक मिनट के लिए थीटा मान लिया जाए टू एक्स को, क्या कर लें लेट टू एक्स इज इक्वल्स टू थीटा रख ले,
तो क्या कुछ रिजल्ट बना है यहां से, टेन ये बन गया टू थीटा, और इसका रिजल्ट क्या होता है वहां पे लिखा हुआ है, क्या होगा टू टाइम्स टेन थीटा डिवाइड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बन गया रिजल्ट। अब हमें थीटा की ये वैल्यू वापस रख देनी है, तो ये रिजल्ट बना टू टाइम्स टेन टू एक्स डिवाइड बाई वन माइनस टेन स्क्वेयर टू एक्स। ये समझाने के लिए आपको बताया था कि हमें कैसे करना है, वो ये वर्क आपको लेके चलना है। आप यहां से डायरेक्टली यहां पे आ सकते हो, बट ये समझाने के लिए बताया गया आपको। अब क्या करना है ध्यान से देखिएगा, अब जैसे यहां पे अगर हम ये कहें टेन टू एक्स, तो ये सिंपल सी बात है, क्या होगा टू टेन एक्स डिवाइड बाई वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स। तो यहां टेन टू एक्स से उसका फॉर्मूला यूज करना है यहां पे, तो क्या बनेगा यहां से टू इंटू इसका रिजल्ट बन गया टू टेन एक्स डिवाइड बाई वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, और यहां से क्या बना वन माइनस किसका स्क्वेयर है टेन टू एक्स का, इसका रिजल्ट टू टेन एक्स डिवाइड बाई वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स। तो ये रिजल्ट बन गया, अब इसकी हेल्प से हम सोल्व करेंगे। तो यहां से क्या बना इसका रिजल्ट आगे देखते हैं हम। यहाँ पे ये रिजल्ट बन गया टेन फोर एक्स था हमारे पास, इसका रिजल्ट क्या बना टू इंटू टू फोर, तो ये बन गया फोर टाइम्स टेन एक्स डिवाइड बाई वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, और डिवाइड बाय ये क्या बना हुआ है ध्यान से देखिएगा, वन माइनस इसका स्क्वेयर कर दो तो ये बन गया फोर टाइम्स टेन स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाई वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर, ये रिजल्ट बना। अब क्या करना होगा हमें, सिंपल से एक वर्क है, नीचे वाले को सोल्व कर लेना है। तो रिजल्ट जो बना वो ये बना फोर टाइम्स टेन एक्स डिवाइड बाय, यहां से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या बनेगा वो ध्यान से देखना है। ये आपका बन गया था फोर टेन एक्स डिवाइड बाई वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स होल डिवाइड बाई एलसीएम बना वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर, तो यहां से बना वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स होल स्क्वेयर माइनस फोर टाइम्स टेन स्क्वेयर एक्स। अब देखो यहां पे इसकी पावर टू है, यहां पे पावर वन है, तो इसको अगर सेम बनाए हम तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक सिंपल सा वर्क है। यहां अगर टू पावर बनानी है तो हमें एक काम करना होगा, क्या होगा वो वर्क, वो ये रहेगा नीचे हमें वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स से मल्टीप्लाई और ऊपर वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स से मल्टीप्लाई। अब ये दोनों पावर देखो ये दोनों सेम है, तो इस कंप्लीट से ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा आपका। अब क्या रिजल्ट बना फोर टाइम्स टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाई नीचे वाले में स्केयर ओपन करो वन प्लस टेन की पावर फोर स्केयर हो गया माइनस टू टेन स्केयर एक्स, और ये बन गया माइनस फोर टेन स्केयर एक्स। और इसको सिंप्लीफाई करें तो फोर टाइम्स टेन एक्स वन माइनस टेन स्केयर एक्स डिवाइड बाय वन प्लस टेन रेज टू पावर फोर एक्स, और ये फोर और टू सिक्स टाइम्स टेन स्केयर एक्स, ये रिजल्ट बन गया। ध्यान से देखिए यहाँ पे जो वर्क हमारा हुआ सिर्फ इसी फॉर्मूले पे बेस चला हमारा पूरा कुछ। क्या किया टेन फोर एक्स को टू टाइम्स टू टेन एक्स, इसको टू थीटा वाली फॉर्म से सोल्व कर दिया हमने, कंसीडर कर लिया टू एक्स को एज ए थीटा, तो टू थीटा बना इसका फॉर्मूला ये बना, हमने टू एक्स की वैल्यू थीटा की वैल्यू दोबारा रखी, टेन टू एक्स का जो फॉर्मूला यहाँ पे है वो हमने यहाँ पे ऑपरेट कर दिया, सिंप्लीफाई किया। जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो ये हमें प्रूव करना था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये हमारा लास्ट सम है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर है बेटा लास्ट वन 25। इसको हमें सोल्व करना है। इस पे जाने से पहले एक रिजल्ट हमें मालूम होना चाहिए, और वो रिजल्ट क्या है देखिए ध्यान से, मैं यहां लिख देता हूं कोस थ्री थीटा का फॉर्मूला, कोस थ्री थीटा इसका रिजल्ट मालूम होना चाहिए, लिखवाया हुआ है आपको ऑलरेडी। तो क्या होता है फोर कोस क्यूब थीटा,
फोर कोस क्यूब थीटा माइनस थ्री कोस थीटा, फोर कोस क्यूब थीटा माइनस थ्री कोस थीटा, इस रिजल्ट का हमें यूज करना है इसको सोल्व करने के लिए, पहला रिजल्ट। दूसरा जो रिजल्ट हमें सोल्व करने के लिए करना है वो है कोस टू थीटा का रिजल्ट, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, जिसकी हेल्प से हमें इनको सोल्व करना है। इसके अलावा कुछ नहीं है। एक जो रिजल्ट हमारा थर्ड है जो हमारा यूज होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब थ्री टाइम्स ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर, ये हमें काम करना है, इनका यूज करना है, इसको सोल्व करना है। सो इसका जो लेफ्ट पार्ट है वो है हमारे पास कोस सिक्स एक्स, कोस सिक्स एक्स है, इसको हमें सोल्व करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहला वर्क ये होगा, आप इसको लिखिए कोस सिक्स एक्स को थ्री इंटू टू एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, थ्री इंटू टू एक्स सिक्स एक्स को लिख सकते हैं, और एक्चुअली ये बन गया कोस थ्री थीटा, ये इसको थीटा कंसीडर कर लो, लेट टू एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो क्या बन गया यहां से कोस थ्री थीटा, और कोस थ्री थीटा का फॉर्मूला वहां रखा हुआ है, तो क्या बनेगा यहां से फोर टाइम्स कोस क्यूब थीटा माइनस थ्री कोस थीटा। अब हमारा काम क्या होगा, सिंपली एक वर्क है हमारा कि हमें कोस क्यूब थीटा का रिजल्ट, कोस क्यूब थीटा हमें लेना है, और पहले उससे पहले हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू रखनी है दोबारा से वापिस। तो फोर कोस क्यूब ये बन गया टू एक्स माइनस थ्री कोस टू एक्स, तो क्या होगा यहां से फोर टाइम्स यहां पे क्यूब रहेगा किस पे, कोस टू एक्स का क्यूब, थ्री टाइम्स यहां पे रहेगा कोस टू एक्स, यहां पे कोस टू एक्स की वैल्यू रख दी है, और यहां पे भी हमें क्या करना है कोस टू एक्स की वैल्यू रखनी है, और ये वैल्यू क्या होती है वहां पे लिख भी रखा है हमने। तो यहाँ पे फोर इसको सिंप्लीफाई किया, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन इसका होल क्यूब हो गया, थ्री टाइम्स टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस ये बन गया। हमें यहाँ पे इसको लेके चल रहे हैं हम, दोबारा से ध्यान से देखिए, जो कि कोस सिक्स एक्स था किसके इक्वल बना है, यहां से देखिए फोर बाहर है रख लीजिए, होल क्यूब है इस वाले फॉर्मूले से यूज कीजिए, सो ए का क्यूब दैट मीन्स टू कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब करेंगे तो ये बनेगा ए कोस की पावर कितनी होगी सिक्स, ए का क्यूब माइनस वन का क्यूब वन, फिर क्या होगा माइनस थ्री ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या बनेगा इंटू फोर टाइम्स कोस की पावर फोर एक्स, और प्लस लास्ट वाला क्या होगा प्लस थ्री टाइम्स ए बी स्क्वेयर, ए एच डी रखो बी स्क्वेयर, तो ए यहां पे होगा टू कोस स्क्वेयर एक्स बन गया, यहां से माइनस का क्या लिखा हुआ है यहां माइनस थ्री टाइम्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा सिक्स, तो माइनस सिक्स टाइम्स कोस स्क्वेयर एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा थ्री, इसको सिंप्लीफाई करना था, तो यहां फोर है एट टाइम्स कोस सिक्स एक्स माइनस वन, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व टाइम्स कोस फोर एक्स प्लस सिक्स टाइम्स कोस की पावर टू एक्स, यहां एक्स माइनस क्या लिखा हुआ है सिक्स टाइम्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री, अब फोर से मल्टीप्लाई करो थर्टी टू, एट के साथ कोस की पावर सिक्स हो गया माइनस फोर बन गया, फोर ट्वेल्व इंटू फोर फोर्टी एट, तो माइनस फोर्टी एट कोस फोर एक्स, और यहां से सिक्स फोर ट्वेंटी फोर कोस स्क्वायर एक्स माइनस सिक्स टाइम्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री, तो ध्यान से देखिएगा थर्टी टू टाइम्स कोस टू पावर सिक्स माइनस पहले फोर्टी एट वाला लिख दो, फोर्टी एट कोस टू पावर फोर एक्स फिर स्क्वायर वाली 24 और 6 तो कितना हो गया 18, तो प्लस का 18 टाइम्स कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस 4 प्लस 3 तो क्या रहेगा माइनस 1, ये आपका बना कोस 6x, तो ध्यान से देखिएगा जो रिजल्ट हमें बनाना था वो बन गया।
सिर्फ ये वर्क हमने किया है, क्या किया, कोस 3 इंटू 2f कोस 3 थीटा हमने फॉर्मूला रखा, इसकी वैल्यू रखी। अब इसका जो रिजल्ट है वो हमने यहाँ पे रखना है, इधर और इधर दोनों वैल्यू, बस फिर हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपका काम क्या है, ये एक्सरसाइज 3.3 अब आपकी कंप्लीट हो जाती है, आपको अच्छे से नोटबुक में करनी है, फिर नोटबुक आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट आपका आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उनको आपको कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही।